अलवर में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों नगर परिषद के पार्षद और आयुक्त आमने सामने नजर आए, तो अब जिला परिषद में जिला प्रमुख रेखा राजू यादव एसीओ के खिलाफ धरने पर बैठी। अलवर जिला प्रमुख ने अधिकारियों के खिलाफ जन प्रतिनिधियों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने खासकर एसीओ लोकेश मीणा द्वारा विकास कार्यों को रोके जाने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ जिला परिषद कार्यालय में रेखा यादव धरने पर बैठी। इतना ही नहीं, हाथ में गीता लेकर वो सीओ के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि गीता इसलिए, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो महाभारत होगी। अगर ये शाम तक भगवत गीता कंप्लीट हो जाती है तो महाभारत देखो ही क्या करवाते, महाभारत करवाते। तो महाभारत देखो ही क्या करवाते, महाभारत करवाते। जिला प्रमुख का आरोप है कि कर्मचारी पंचायत कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पार्षदों को भत्ता नहीं मिल रहा और कोई काम नहीं किया जा रहा। और उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि स्वयं अपने विभाग में ही धरने पर बैठी हूं और मैं जनहित के कार्यों के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। इस दौरान जिला परिषद सीओ और एसीओ दोनों ही अपने कार्यालय पर ताला लगाकर नदार थे। जब उनसे पूछा गया तो वो प्रधानमंत्री की 7 जुलाई की यात्रा के सिलसिले में काम पर निकले हुए थे। कुल मिलाकर हर विभाग में अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की लड़ाई का प्रभाव विकास कार्यों के रुक जाने से सीधा सीधा आम जन पर पड़ता है। परिषद के अधिकारियों के निकम्मे और नकारापन ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि आज मुझे खुद अपने ही कार्यालय में धरने पर बैठना पड़ रहा है। मैंने 2 जुलाई तक समय दिया था अपने विभाग में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जिला परिषद के सीओ एसीओ अपने चैम्बर के लोक लगा के भग गए। जिला पार्षद प्रधान सभी नाराज हैं। मैं पत्रकार बंधुओं से बताना चाहूँगी कि जनता की भलाई के लिए मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। पंचायत राज कानून की पालना नहीं की जा रही है और मेरे द्वारा किए गए विकास कार्यों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जिला परिषद में आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि संस्था अध्यक्ष खुद धरने पर बैठी है, बैठने को मजबूर है और जनता के साथ सरपंच प्रधान पार्षदों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। क्या मांगे हैं आपके, कब तक आपको धरना जारी है? कानून के साथ ही जो दस्तावेज हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, काट छाट करते हैं। जो भी पार्षद हैं इनके भत्ते वगैरह अब तक नहीं दिए गए हैं। बहुत सारी ऐसी जो है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। कब तक धरना जारी रहेगा आपका? देखो अभी तो मैं ये भगवत गीता लेके आई हूँ, ये पूरी हो जाती है तब तक तो मान जाते हैं, कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं फिर मुझे महाभारत पढ़ना पड़ेगा।